जय हिंद, स्वागत है आप सभी का। तो देखिए, IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में जो आपके ग्रुप सी की वैकेंसी आउट की गई थी, तो वहाँ पर रिटर्न एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हो चुका है और अब यहाँ पर जो आपका रिजल्ट है रिटर्न एग्ज़ाम का, वो भी आउट कर दिया गया है। तो आपके रिजल्ट के बारे में, आपके नेक्स्ट प्रोसेस के बारे में क्या कुछ अपडेट है, चलिए आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिएगा, ये है आपकी वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। अब यहाँ पर जिस भी पोस्ट का एडमिट कार्ड आपका आया था, आपने एग्ज़ाम दिया था, उन सभी पोस्ट की जानकारी यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं। जितने पोस्ट आपको इस नोटिफिकेशन में दिखाई गई हैं, उन सभी का एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका है और उसके बाद जो एग्ज़ाम का रिजल्ट है वो भी आपका आउट हो चुका है। आपकी पोस्ट वाइज जो वैकेंसी है आपके कैटेगरी के अनुसार, वो भी यहाँ पर आप सभी जो है चेक कर पाएंगे। अब चलिएगा, हम बात करते हैं आपके रिजल्ट के बारे में। तो यहाँ पर देखिएगा, ये जो आपका रिजल्ट है वो है आपका कुक स्पेशल की पोस्ट का। इसके बाद यहाँ पर जो आपका रिजल्ट है कुक IT की पोस्ट के लिए, फिर यहाँ पर ये जो आपका रिजल्ट है वो है आपका MT ड्राइवर की पोस्ट का। जो आपका रिजल्ट है वो कैसे आपको चेक करना है, तो यहाँ पर ये आपके रोल नंबर दिए गए हैं, इसमें आपका जो रोल नंबर है वो आपको मैच करना है। अगर आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई है तो इस लिस्ट में जो आपका रोल नंबर है वो आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका फटिगमैन, और इसके बाद ये जो आपका रिजल्ट है वो MTS सफाई वाले की पोस्ट का है। इसके बाद देखिएगा, ये है आपका बूट मेकर, इसके बाद LDC मसालची, और फिर आपका वेटर का रिजल्ट है। और यहाँ पर ये जो आपका रिजल्ट है वो है ग्राउंड्समैन की पोस्ट का, जो कि आपकी इस IMA की भर्ती के एक बहुत ही बड़ी पोस्ट थी। नीचे यहाँ पर जो आपकी ऑफिशियल मोहर है वो भी आप यहाँ पर सिग्नेचर वगैरह चेक कर सकते हैं। इसके बाद देखिएगा, आपका MTS चौकीदार, गुरुम, और आपका इक्विपमेंट रिपेयरर, और ये है आपका फटिगमैन। तो इस तरीके से जो आपका रोल नंबर है इसके अनुसार सभी पोस्ट का जो आपका रिजल्ट है वो आप चेक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर आपका इस लिस्ट में नाम आ चुका है तो यहाँ पर आपके जो नेक्स्ट प्रोसेस है अब वो क्या रहने वाली है। तो यहाँ पर जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें आप देख सकते हैं कि जो आपकी सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें आपके टोटल दो स्टेज रहने वाली हैं। एक है आपका रिटन टेस्ट और दूसरा है आपका स्किल टेस्ट। अब इसमें याद रखिएगा, जो आपके फाइनल मेरिट लिस्ट बनने वाली है वो सिर्फ बनेगी आपके रिटन एग्जाम के बेस पर। जो आपका स्किल टेस्ट होगा वो सिर्फ आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी कि ये सिर्फ आपको पास करना है, लेकिन मेरिट लिस्ट में कोई वेटेज आपको इसका नहीं मिलेगा। लेकिन एक बात भी याद रखिएगा कि जो स्किल टेस्ट है वो आपका सभी पोस्ट का कंडक्टर नहीं किया जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है वेयर एवर नेसेसरी, यानी कि आपके मान लीजिए ड्राइवर की पोस्ट है तो ड्राइवर की पोस्ट में जो आपका स्किल टेस्ट है वो कंडक्ट किया जाएगा, यानी कि आपका ड्राइविंग टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर जो आपकी कुक की पोस्ट है इसमें भी आपका स्किल टेस्ट होगा। यहाँ पर आपका कुछ ऐसी पोस्ट है जिसमें स्किल टेस्ट कंडक्ट नहीं किया जाएगा, तो वो डिपेंड करता है कि आपका किस पोस्ट का एग्ज़ाम था, आपने किस पोस्ट का जो फॉर्म है वो अप्लाई किया है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि हमारी नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, क्या स्किल टेस्ट है या फिर डायरेक्ट हमारे DV है जिसमें स्किल टेस्ट नहीं है, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो यहाँ पर एग्जाम क्वालिफाई होने के बाद आपका जो स्किल टेस्ट का कॉल लेटर है या फिर DV का कॉल लेटर है वो आपके घर पर आने वाला है, और उस कॉल लेटर में आपको पता चल जाएगा कि आपकी नेक्स्ट स्टेज क्या है। उसमें आपको डेट दी गई है कि यहाँ पर आपका स्किल टेस्ट कब है या फिर आपका DV कब है। तो जो भी आपकी पोस्ट है उस पोस्ट का जो स्किल टेस्ट अगर होने वाला है तो उसके लिए आपको तैयार रहना है। बाकी DV सभी पोस्ट का होगा, तो जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं वो अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा। ओके, बाकी जो भी आपके अपडेट होगी आपको हम बताते रहेंगे। आगे के लिए जुड़े रहिएगा। जय हिंद।